गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं थोड़ी पंजाबी दी अध्यापिका, आज असी करांगे पंजाबी दा पार्ट 13 मॉडर्न प्यासा कां। हाँ जी राजे, अग वांग वरदी गर्मी, बुरे हाल फिरे करदी गर्मी, पट्ठी तपन शहर गरां, पानी सी लभदा प्यासा कां। हाँ जी राजे, की कह रहा है कि अग वांग की है गर्मी वर रही सी, मतलब कि गर्मी की है पूरे जोरां शोरां ते पूरी गर्मी की है पै रही सी। गर्मी कारण सारे पशु पंछियां जानवरां मनुखां दा की है बुरा हाल होया पिया सी। गर्मी कारण पूरे शहर ग्रां की हुंदे ने राजे, पिंड, पिंडां नूं की कहा जांदा है ग्रां, ते तपन की हुंदी है बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ जी राजे, की कह रहा हो, शहर ते ग्रां पूरे पट्ठी वांग की है तप रहे सी। इस तपदी गर्मी विच एक कां नूं की है बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो पानी दी भाल कर रहा सी। गला कां दा सुकदा जावे, विचो विची ओह मुकदा जावे। मुकदा की हुंदा राजे, मतलब खत्म हुंदा, फिनिशिंग। कां दा गला प्यास कारण बहुत ज़्यादा सुक गया सी, जिदे कारण वह की सी अंदरों अंदरी खत्म हुंदा जा रहा सी। उड़दा उड़दा होया निडाल, खाली मिले सारे खूह ते खाल। कां गर्मी विच पानी दी भाल करदा होया उड़दा उड़दा थक गया सी। निडाल होना मतलब बहुत ज़्यादा थकावट नाल बेहाल हो जाना। कां की है पानी लभदा होया की हो चुकिया सी, निडाल हो चुकिया सी। सारे उसनू जिन्ने भी खूह तालाब नदियां नाले सब नू उसनू की मिले, खाली मिले। कां लोकां ते गुस्सा करदा, दरां मूरे ना कोई पानी धरदा। कां नू लोकां ते बहुत गुस्सा आया, क्यों आया? क्योंकि दरां मूरे, दरां की हुंदियां दरवाजा डोर, मूरे मतलब अग्गे जां सामने, इन फ्रंट ऑफ। दरां मूरे की कोई भी पानी नहीं धरदा कि प्यासे पंछी जानवर वो पानी उन्हां दे काम आ सके। कां हिम्मत जरा होर जुटाई, पानी वाली टैंकी नजरी आई, पर कां ने इत्थे हिम्मत नहीं हारी। वो पानी दी भाल विच की है उड़दा रहा उड़दा रहा। अचानक उसनू की एक पानी दी टैंकी नज़र आई, पानी भर के उत्तों डुल रहा सी। घर दे स्विच बंद करनी भुल गए सी। उसने की वेख्या कि जिहड़ी पानी दी टैंकी सी वह पूरी तरह भर चुकी सी, ते पानी भर के की है हुण टैंकी विच्चों डुल रहा सी। क्यों डुल रहा सी? क्योंकि घर दे पानी वाली टैंकी दा स्विच बंद करना भुल गए सी। प्यासा कां टैंकी उपर बह गया, थोड़ा उन्हें सी साह भी लै लिया। फिर कां ने की किया, जदों उन्हें पानी वेख्या उहदे साह विच साह आया। उन्हें सब तो पहला की किया पानी वाली टैंकी उत्ते वह की किया बह गया। फिर उसने थोड़ा टाइम उत्थे बैठ के साह लिया। रज रज कां ने पीता पानी, इत्थे खत्म नहीं हुई कहानी। फिर कां ने की किया, रज के पानी पीता, पर कहिंदे कहानी इत्थे खत्म नहीं हुई। कां ने कां कां रौला पाया, घर दा मैंबर बाहर सी आया। कां ने की किया अपनी बड़ी सियाणप वरती, बड़ी सूझ नाल उहने की किया उच्ची उच्ची कां कां करके रौला पाउणा स्टार्ट कर दिता। उहदी कां कां दी आवाज़ सुन के एक घर दा मैंबर बाहर आ गया। कां वल उहने नज़र सी मारी, फिर उसने की किया कां वल नज़र मारी। टैंकी भर डुल गई सी सारी। जदों उन्हें कां वल नज़र मारी, नाल ही उन्हें की देखा कि पानी दी टैंकी भर चुकी है, ते उन्दे विचों पानी की है डुल रहा है। भज स्विच उन्हें बंद सी करती, फिर उसने की किया भज के टैंकी वाले स्विच नूं बंद कर दिता। पानी बचा के कां ने उडारी भरती, फिर कां ने की किया पानी नूं सेव किया, ते उत्थों की है उडारी भरती, मतलब उत्थों पानी पी के वह उड गया। हाँ जी विद्यार्थियों, इस कविता तो सानू की संदेश मिलता है कि सानू फर्स्ट की है पानी दी सांभ संभाल करनी चाहिए है, क्योंकि जड़ा पानी है वो कुदरत दा एक अनमोल सोम है। इस तो बिना किते भी कोई भी जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जे पानी दी दुरवरतों धरती उत्ते इदां ही चलती रही तो एक दिन यह की है पानी दी कमी दा कारण बन जाएगी, ठीक है। इसलिए सानू पानी दी की है सांभ संभाल करनी चाहिए है। धन्यवाद।